चेन्नई के दो कमरों के मकान से जिंदगी की शुरुआत होती है। ड्राइंग रूम में फर्श पर सोने वाला लड़का जिसके घर में कहीं कोई सुख सुविधा नहीं थी। 17 साल की उम्र में आईआईटी खड़गपुर पहुंच जाता है क्योंकि उसे इंजीनियरिंग करनी थी, यही उसका सपना था। वहां से पढ़ाई करने के बाद में भी ऐसा नहीं कि सब कुछ पा लिया, भूख अभी बाकी रहती है। अमेरिका पहुंचता है और सीखता है और पढ़ता है और उसके बाद बन जाता है दुनिया की उस कंपनी का बॉस जहां हर कोई जॉब करना चाहता है। मैं बात कर रहा हूं गूगल के सीईओ मिस्टर सुंदर पिचाई की। हाय गाइस, मेरा नाम है आरजे कार्तिक, स्वागत है आपका नई सीरीज सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे में। और आज हम बात करेंगे 5 लर्निंग्स फ्रॉम सुंदर पिचाई। लर्निंग नंबर 1, फॉलोइंग योर पैशन इज नॉट ओवररेटेड। बहुत सारे लोग कहते हैं, बार बार कहते हैं, जितने सक्सेसफुल लोग हैं दुनिया में एक ही मंत्र है, पैशन को फॉलो कीजिए। सुंदर पिचाई साहब ने बोला कि अपने पैशन को मैंने फॉलो किया। ये बात हमें क्यों सीखनी चाहिए? क्योंकि यही वो बात है, यही वो मंत्र है जो हमें जिंदगी में आगे ले जाएगा। आईआईटी खड़गपुर में 17 साल की उम्र में एडमिशन लिया, वहां से पढ़ाई करने के बाद अमेरिका गए। वहां जाने के बाद में फिर 11 साल तक अलग अलग कंपनीज में काम किया, फाइनली गूगल में 2004 में आए और वहां पर बहुत मेहनत करी, बहुत काम किया, वहीं पर अपने आप को इन्हांस करते गए, अपनी स्किल्स को और डेवलप करते गए और फाइनली गूगल के सीईओ बने, बॉस बने। आईआईटी खड़गपुर जब वापस आए थे सीईओ बनने के बाद, तो एक स्पीच में अपने स्टूडेंट से, वहां जो स्टूडेंट्स थे उनसे कहा, एक मेमोरी अपनी रिकॉल की और बताया कि मैं यहां पर लाइन में खड़ा रहता था अपने घर वालों से बात करने के लिए। उस जमाने में वो रोटरी वाला फोन होता था। घर वालों से बात करने का एक्साइटमेंट तो था ही कि फैमिली से बात करनी है, एक और एक्साइटमेंट था कि वो रोटरी वाला फोन जो है वो यूज करने को मिलेगा। वो जो डिवाइस थी उसने इनके मन में टेक्नोलॉजी के लिए प्यार डेवलप किया। बचपन से ही वो पैशन हो गया था कि मुझे तो इसी फील्ड में नाम कमाना है, इसी फील्ड में आगे जाना है। लर्निंग नंबर 2, कीप योरसेल्फ अपडेटेड। वो कहते ना कि कुल्हाड़ी को धार देते रहना चाहिए। भागती दौड़ती दुनिया में कंपटीशन इतना ज़्यादा हो चुका है। सुंदर पिचाई साहब कहते हैं कि हमेशा यंगस्टर्स को ये सोचना चाहिए कि हमारा नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, आगे चलकर के हम क्या करेंगे। अपने फ्यूचर को अगर आप बेहतर बनाना चाहते हैं तो अपडेटेड रहिए और साथ में आगे का सोचना अभी से शुरू कीजिए। सुंदर पिचाई साहब के बारे में कमाल की बात ये रही है कि सर्वाइवल की लड़ाई में भी उन्होंने अपने ड्रीम को सेक्रीफाइस नहीं किया। अमेरिका में जब पढ़ रहे थे तब भी वो अपने खर्चों को कंट्रोल करते थे और अपनी पढ़ाई के लिए ज़्यादा खर्च करते थे। आईआईटी खड़गपुर में पढ़ाई पूरी करने के बाद में भी ये सोचा कि आगे जाकर के क्या किया जा सकता है, अपने आप को अपडेटेड रखा, उस जमाने में अमेरिका गए, स्कॉलरशिप ली, पढ़ाई की। आपको एक बात कहना चाह रहा हूँ, घर बैठे बैठे आप अपने आप को अपडेटेड रख सकते हैं इस भागती दौड़ती दुनिया के साथ में। कैसे? इंग्लिश को इम्प्रूव करके। आई एम टॉकिंग अबाउट वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर अमेरिकन ऐप डुओलिंगो, जो आपकी इंग्लिश को गुड से बेटर बना सकती है, बेटर से बेस्ट बना सकती है। इसके बारे में क्यों बात कर रहा हूं, क्यों रेकमेंड कर रहा हूं? सबसे कमाल की बात यह है कि ये फ्री है। सबसे कमाल की बात यह है कि एड्स फ्री है, यानी कि आपको एड्स भी नहीं मिलेंगे इसमें। तो जब आप इसे यूज करेंगे तो आपका सारा फोकस इंग्लिश लर्निंग पर होगा। सबसे अच्छी बात यह कि यह हैवीली फोकस करती है आपकी स्पीकिंग और आपकी लिसनिंग पर, जिससे कि आपकी इंग्लिश जो है बहुत शानदार बन सके। 100 मिलियन से ज़्यादा इस ऐप को लोगों ने डाउनलोड किया है, तो ये बताता है कि कितना भरोसा लोगों को है। दूसरी सबसे कमाल की बात है कि 4.7 स्टार रेटिंग है, जो बताती है कि लोगों को ये कितनी पसंद आई है। तो अगर आप अपनी इंग्लिश का टेस्ट लेना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि आपने कितनी सीख रखी ऑलरेडी और कितनी सीखने की जरूरत है, तो फ्री में आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से और यहां डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तीसरी लर्निंग जिसकी बात करूं, उससे पहले एक बात कहना चाह रहा हूं कि आपके मोबाइल के ड्राफ्ट में हो सकता है आपके पास बहुत कमाल का आइडिया हो, जो आपने कहीं ट्रैवल करते वक्त ऐसे ही लिख करके सेव कर लिया हो कि इससे कुछ किया जा सकता है लाइफ में। उसे उस ड्राफ्ट से बाहर निकालिए। तीसरी लर्निंग है, शेयर योर थॉट्स। अपने थॉट्स को अपने पास मत रखिए। अगर आपके मन में कोई ऐसा थॉट आया है जो दुनिया बदल सकता है, हो सकता है कि वो आपको किसी को बताने में बड़ा अजीब लगे कि ये क्या बात बता रहे हो, लेकिन वो थॉट वाकई में कमाल कर सकता है अगर आप उसमें अपना 100% दें। सुंदर पिचाई साहब की जिंदगी तब बदली जब उन्होंने एक छोटा सा आइडिया अपनी गूगल की टीम को दिया। पूरी कहानी समझाता हूं। 2004 में 1 अप्रैल को इन्होंने गूगल ज्वाइन किया था। उसके बाद में इन्हें प्रोडक्ट मैनेजमेंट और इनोवेशन की टीम में काम दिया गया था, जो गूगल का सर्च टूल बार है उसको बेहतर बनाना था, उसको इजी बनाना था। और काम यह था कि जो दूसरे ब्राउजर थे, वेब ब्राउजर, उसके ट्रैफिक को गूगल पर लाना था। इन्होंने सिर्फ एक सिंपल सा आइडिया दिया। इन्होंने कहा कि उस ट्रैफिक को हम यहां ला रहे हैं हमारे सर्च इंजन पर, क्यों ना हम अपना वेब ब्राउजर लॉन्च करें। छोटा सा आइडिया जिसने सुंदर पिचाई साहब को
जो गूगल के फाउंडर थे लैरी पेज, उनकी नजरों में ला दिया कि ये बंदा कमाल करेगा। उसके बाद में इन्हीं गाइडेंस में गूगल क्रोम, हो सकता है कि जिस पर इस वक्त आप यूट्यूब पर यह वीडियो देख रहे हो, वो लॉन्च हुआ, सक्सेसफुली लॉन्च हुआ। गूगल क्रोम तो इन्होंने लॉन्च किया ही, जीमेल ऐप जो कि इस वक्त दुनिया की सबसे ज्यादा डाउनलोडेड ऐप बन चुकी है, वो भी इन्हीं की गाइडेंस में लॉन्च हुई। कहने का मतलब बड़ा सिंपल है, अपने थॉट्स को अपने पास मत रखिए, जो भी आइडियाज आ रहे हैं उन्हें शेयर करते चलिए। लर्निंग नंबर 4, सलाह लीजिए। एडवाइस लेना बुरी बात नहीं है, लेकिन किससे ले रहे हैं यह जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि याद होगा आपको महाभारत में दुर्योधन ने मामा शकुनी से सलाह ली थी और धनुर्धर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से सलाह ली थी। कहने का मतलब यह है कि एडवाइस जब आप ले रहे हैं तो क्या आप ऐसे व्यक्ति से एडवाइस ले रहे हैं जो कि आपके फायदे के लिए सोच रहा है? बहुत कम लोग होते हैं जो कि हमारे बेनिफिट के बारे में सोचते हैं। वो लोग कौन होते हैं? हमारे फैमिली मेंबर्स, हमारे लव्ड वंस। सुंदर पिचई साहब की जिंदगी में एक लम्हा ऐसा आया जब इनके पास में अपॉर्चुनिटीज की भरमार थी। मतलब लोग चाहते ना कि मुझे कंपनीज कॉल करें, मुझे बुलाएं, बड़ी बड़ी कंपनीज इन्हें जॉब देने के लिए तैयार थी, जिनमें आप बात कीजिए ट्विटर की, आप बात कीजिए माइक्रोसॉफ्ट की, सब चाहते थे कि एक बार सुंदर पिचई उनके साथ में जुड़ जाएं। इन्होंने इनकी जो लाइफ पार्टनर हैं उनसे डिस्कस किया कि क्या किया जाए, क्या मुझे गूगल छोड़ देना चाहिए। गूगल छोड़ने के बारे में एक वक्त में सोच रहे थे, लेकिन इनकी लाइफ पार्टनर ने कहा कि नहीं, आप कंटिन्यू कीजिए। वहीं कंटिन्यू किया और आज गूगल के बॉस हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आई एम श्योर इस वीडियो में, इस लर्निंग में जब हम बात कर रहे हैं तो बहुत सारे ऐसे यंगस्टर्स देख रहे होंगे जो अपनी कंपनी स्विच करना चाहते हैं। आप देखिएगा कि क्या आपके लिए उस कंपनी में अपॉर्चुनिटीज हैं, क्योंकि कई बार जब आप एक ही कंपनी में ज्यादा टाइम देते हैं वो कंपनी आपकी वैल्यू करती है और आपको रिवॉर्ड भी देती है। हो सकता है कि उसी कंपनी में एक दिन आप बॉस बन जाए। लर्निंग नंबर 5, द फाइनल लर्निंग, आखिरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अपनी लाइफ में इनसिक्योर होते रहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि इनसिक्योर मत होइए। सुंदर पिचई साहब कहते हैं कि इनसिक्योर होते रहिए, वो इनसिक्योरिटी आपको लगातार पुश करेगी कि भाई कुछ करना है लाइफ में। हमारे आसपास जब अच्छे लोग होते हैं तो हम इनसिक्योर फील करने लगते हैं, हमें लगता है कि ये कुछ कमाल कर जाएगा, ये कुछ कमाल कर जाएगा। ऐसे लोगों का हमारे आसपास होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही वो लोग हैं जो हमें अंदर से झकझोड़ते हैं, हमें बार बार ये याद दिलाते हैं कि हमारा असली पोटेंशियल दुनिया के सामने आना बाकी है। सुंदर पिचई साहब की ये बात जो मुझे हमेशा याद रहेगी कि इनसिक्योरिटी को हमेशा अपने साथ रखिए, स्लीव पर रखिए और उसे एक तरीके से हमेशा पहन के रहिए। याद रखिए कि इनसिक्योर फील करने का मतलब ये नहीं है कि हम कमजोर फील कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हम समझ रहे हैं कि दुनिया में हमसे बड़े योद्धा हैं, हमें उन पर जीत हासिल करनी है। आरजे कार्तिक आज इस वीडियो में जाते आते बस यही कहेगा, दोस्तों हमेशा 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 एक ही बात याद रखना, सपने देखना बुरी बात नहीं है, सपनों का टूटना भी बुरी बात नहीं है, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है, लाख करे कोशिश पतझड़ पर उपवन नहीं मरा करता है। कवि गोपालदास नीरज साहब की कविता के साथ इस वीडियो को समाप्त कर रहा हूं, लेकिन बस यही कह रहा हूं, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपनी मेहनत के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जाते जाते एक बार फिर से आपको याद दिला दूं, अगर आप अपनी इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं तो डुओलिंगो डाउनलोड करना ना भूलें।